हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है फिर से। और एक बार हटबे लिटिल अंडमान में बहुत सारा ऐसा जगह है कि शायद हम वीडियो ना बना पाएँ, तो हम और एक जगह आ गए। यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहाँ पे एक तालाब का जैसा है, नदी का जैसा है, एक देख सकते हो जब सूरज का रोशनी पड़ता है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। यहाँ पे आपको नीचे जितना भी मछली वगैरह तैर रहा है सब आपको साफ साफ दिखता है, देख सकते हो। नीचे देखो यार, और ये पानी सूखता नहीं है, तो इसमें जब गर्मी का टाइम होता है तो यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं वो नहाने आते हैं, पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं सब ग्रुप बना के। और यहाँ का पानी ना इतना साफ है ना, आपको दिखाते हैं सामने से, ये पूरा साल भर यहाँ पे पानी झरना के जैसा आते रहता है, साल भर नॉन स्टॉप। और पानी इतना साफ है कि आपको दिखा देते हैं ना यार, अंदर से आ रहा है पानी, पता नहीं कहाँ से आ रहा है लेकिन अंदर से आ रहा है, गुफा के अंदर से। वो भी एकदम साफ पानी। और संदीप भाई बताइए, क्या सा एक्सपीरियंस था आपका यहाँ पे आके? बहुत ही बढ़िया, एकदम अभी थोड़ा रिफ्रेश हो चुका हूँ मैं, और दिल तो कर रहा है कि अभी डुबकी मार लूँ, क्योंकि बहुत अच्छा गहराई है और साफ पानी भी है, बहुत मज़ा आया देख के। और अगर समय मिलेगा तो यहाँ पे तैरने के लिए ज़रूर आएंगे और कभी, तो फिलहाल समय नहीं है तो निकलते हैं। चलिए निकलते हैं। सच में यार सब दिख रहा है आस पास। चलिए तो मिलते हैं फिर नए लोकेशन पे, ऐसे ही जितना भी दिख रहा है सब हम कैप्चर करने वाले हैं अपनी मेमोरीज बना करके, और आप लोगों को भी दिखाएंगे साथ साथ। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये दिल्ली तालाब अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ कभी भी यहाँ पे आते हैं हड्डे में तो दिल्ली नंबर दीजिए और यहाँ पे आकर नहाने का लुत्फ उठाइएगा जरूर से। तो चलिए आप मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, और वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। यार तुम ना न्यूज़ रिपोर्टर बन जाओ, अच्छा फेमस हो जाएगा शायद, क्या बोलते हो? न्यूज़ रिपोर्टर बन जाओ संदीप भाई। सारा कोरल्स वाला पत्थर है ना, चूना पत्थर है सारा यहाँ पे, जितना भी है सब वही है, वाइट पत्थर, वाइट पत्थर। सब तरफ से हरा भरा पेड़ पौधे, मतलब एक तरफ से नेचर से घिरा हुआ। और यहाँ पे तो आधा आधा तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ही है, आधा में ही घर है, आधा मतलब 90% तो यहाँ जंगल ही होएगा ना। हाँ ज़्यादा है वही मतलब, हाँ वही पता नहीं मेरे को यार, लेकिन ज़्यादा तो यहाँ पे जंगल है, आदमी कम है इसे ने। और यहाँ पे मीठे पानी की कोई कमी नहीं है, जहाँ भी देखो मीठा पानी। हाँ हाँ यार, एक तो काला पहाड़ आइलैंड है और एक ये हटबे आइलैंड है पानी का सोर्स। जब पोटर में पानी का दिक्कत हो जाता है, वैसे गर्मी में तो हर साल दिक्कत होता है, इस साल तो बारिश आ गया जल्दी वरना दिक्कत हो जाता है। चलिए तो यही दोनों, काला पहाड़ और हटबे आइलैंड जो है मीठे पानी का सोर्स, जब भी पोर्टवेयर में पानी की कमी होती है तो यहीं से पानी लेके जाते हैं शिप में। तो यहाँ से जस्ट 2-3 मिनट की दूरी पर मेन रोड है 20 किलोमीटर, तो ये लोकेशन है 20 किलोमीटर का। आइए किसी लोकल से पूछ के, चलिए मिलते हैं।